आज हम डिस्कस करेंगे हिमेटोलॉजी के अंदर सेलुलर कंपोनेंट्स के ऊपर, और सेलुलर कंपोनेंट के ऊपर किसके ऊपर, एरिथ्रोसाइट के ऊपर, जो क्या है, एक सेलुलर कंपोनेंट का मेजर पोर्शन है, यानी सबसे बड़ा पोर्शन है। आपने ब्लड कंपोजिशन में देखा था कि ब्लड के अंदर दो पार्ट है, एक पोर्शन था ब्लड प्लाज्मा जो कितने परसेंट था, 55%, और दूसरा पोर्शन था सेलुलर कंपोनेंट जो कितने परसेंट था, 45%, और उसके अंदर मेजर जो पोर्शन था सबसे बड़ा वो किसका था, एरिथ्रोसाइट का यानी आरबीसी का। उसी के ऊपर क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार क्या है, पीछे के लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं जो किसके ऊपर था, ब्लड प्लाज्मा के ऊपर। एक बार पीछे का लेक्चर जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें थी, तो ब्लड प्लाज्मा इज ए येलो कलर लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा क्या है, एक येलो कलर का तरल यानी लिक्विड पोर्शन है, किसका, एक ब्लड का कंपोनेंट है, दैट नॉर्मली होल्ड द ब्लड सेल, जो कि इनको होल्ड रखता है, पकड़े रखता है ब्लड सेल्स को इन होल ब्लड सस्पेंशन यानी कंप्लीट ब्लड के अंदर। दिस मेक प्लाज्मा द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ ब्लड सेल, और ये चीजें क्या करती हैं कि प्लाज्मा को एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी मटेरियल बनाती हैं, क्योंकि क्या है कि सेलुलर मटेरियल वो क्या है, वो तो बोन मैरो में फॉर्म होता है, लेकिन प्लाज्मा जो क्या है वो सेल के अलावा कंपोनेंट होता है ब्लड में, जो कि क्या है, लिवर में फॉर्म होता है। नेक्स्ट, इट मेक्स अप टू अबाउट 55% ऑफ द बॉडीज टोटल वॉल्यूम या टोटल ब्लड वॉल्यूम। इट मेक्स अप यानी ये क्या है, बनाता है, अबाउट मतलब समथिंग लगभग 55% यानी 55% ऑफ द बॉडीज टोटल ब्लड वॉल्यूम यानी ब्लड के कुल आयतन के कितने परसेंट बनाता है, 55%। नेक्स्ट लाइन में क्या है, इट इज द इंट्रावेस्कुलर फ्लूड पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, मतलब क्या है, इट इज द इंट्रावेस्कुलर फ्लूड यानी इंट्रावेस्कुलर फ्लूड का क्या है कि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, जैसे कि आर्टरी और वेन है उनके अंदर ब्लड प्रेजेंट रहता है, और ब्लड के अंदर क्या डिजोल्व होता है, प्लाज्मा, और है क्या ये फ्लूड, पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, और है कैसा पार्ट, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है यानी सेलुलर पोर्शन के अलावा फ्लूड है। नेक्स्ट, ऑल बॉडी फ्लूड आउटसाइड सेल यानी सेल के अलावा ये फ्लूड है ब्लड में। नेक्स्ट, प्लाज्मा इज प्ले ए रोल लाइक ए की, दिस कैरीड द ब्लड सेल एंड अदर सब्सटेंस, क्या है कि प्लाज्मा एक किस तरीके का काम करता है, एक चाबी की तरह काम करता है, लाइक ए की यानी चाबी, दिस कैरीड जो क्या करती है, रखती है किनको, द ब्लड सेल यानी ब्लड यानी जो ब्लड के अंदर कोशिका प्रेजेंट है, जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट एंड अदर सब्सटेंस, और जैसे अदर सब्सटेंस में आप देखोगे तो जैसे जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्या था, इट इज मोस्टली कंपोज फ्रॉम वाटर 92%, यह क्या है किससे मिलकर बनाए, पानी से मिलकर बनाए, कितने परसेंट है इसके अंदर पानी, 90-92%, एंड अदर सब्सटेंस और जो बचे हुए जो सब्सटेंस है वो कितने परसेंट है, 8-9%, वो क्या है कंटेंट्स लाइक, जो अदर सब्सटेंस है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, एक तो प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर आपको पता है तीन प्रकार की प्रोटीन आती है, एक तो एल्बुमिन, एक ग्लोबुलिन और एक फाइब्रिनोजन, हार्मोन्स, विटामिन, आयन, साल्ट, गैसेज और वेस्ट प्रोडक्ट, ये सारी चीजें क्या है ब्लड प्लाज्मा के अंदर मिक्स रहती हैं। नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.025 जीएम पर एमएल, और जो ब्लड प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी है, 1.025 ग्राम पर एमएल। नेक्स्ट, When separate from rest of blood, the blood plasma is slightly yellow liquid. जब क्या है when separate from the rest of blood, मतलब क्या है कि ब्लड प्लाज्मा को जब आप कंप्लीट ब्लड से अलग कर लोगे, एक अलग पोर्शन बनाओगे, ब्लड प्लाज्मा इज ए येलो लिक्विड, स्लाइटली येलो लिक्विड, ब्लड प्लाज्मा आपको कैसा दिखाई देगा, एक हल्के पीले कलर का लिक्विड यानी तरल सा दिखाई देगा। नेक्स्ट, प्लाज्मा इज नॉर्मली येलो ड्यू टू बिलरुबिन, कैरेटिनॉइड, हीमोग्लोबिन एंड ट्रांसफेरिन, और जो ब्लड प्लाज्मा का येलो कलर है उसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक तो बिलरुबिन, एक कैरेटिनॉइड, एक हीमोग्लोबिन एंड ट्रांसफेरिन, जिसके अंदर इसके लिए मोस्टली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, बिलरुबिन, जो क्या है हीम डिग्रेडेशन से
फॉर्म होता है। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा यानी अकार्बनिक, जो चीजें क्या है प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहती है, जिनके अंदर कार्बन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होते। तो इसमें देखिए आप, सबसे पहले आयन, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयरन या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम कॉपर, या फिर दूसरी क्या है आयन साल्ट, साल्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है ब्लड प्लाज्मा में, सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाई कार्बोनेट या पोटेशियम बाई कार्बोनेट। और क्या चीजें प्रेजेंट रहती है, गैसेस, दीज आर डिजोल्व इन वाटर। और क्या है गैसेस यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तीन चीजें प्रेजेंट रहती है, एक तो आयन साल्ट और गैसेस, और ये सब क्या है दीज आर डिजोल्व इन वाटर, और ये क्या है पानी में घुलनशील है। नेक्स्ट क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी जो क्या है कार्बनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले क्या है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में आप देखोगे तीन प्रकार के प्रोटीन है, एक तो एल्ब्यूमिन है, एक ग्लोबुलिन है, एक फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन क्या करती है आपका जो रिनल फंक्शन है यानी किडनी, जो किडनी की जो फिल्ट्रेशन रेट है GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, उसको मेंटेन करने का काम करती है। ग्लोबुलिन क्या करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटीबॉडी फॉर्मेशन का काम करती है, और फाइब्रिनोजन क्या काम करती है ब्लड क्लोटिंग का काम करती है। नेक्स्ट हार्मोन्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, और क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड में हार्मोन्स प्रेजेंट रहते हैं, विटामिन प्रेजेंट रहते हैं और न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स में कौन सी चीजें, एक तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट में क्या है ग्लूकोज है, प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड, और लिपिड में आप देखोगे तो क्या है ट्राइग्लिसराइड और क्या है कोलेस्ट्रॉल और वेस्ट प्रोडक्ट। ये सारी चीजें किसमें प्रेजेंट रहती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। नेक्स्ट द अदर सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लाज्मा इंक्लूड एंटीजन एंटीबॉडी, और क्या चीजें प्रेजेंट रहती हैं प्लाज्मा के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या करते हैं फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन इट ह्यूमन बॉडी। ये क्या है ह्यूमन बॉडी को किससे प्रिवेंट करते हैं, किससे प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से। नेक्स्ट इट इज प्ले ए वाइटल रोल इन ए इंट्रावेस्क्यूलर और ऑस्मेटिक इफेक्ट दैट कीप्स इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन बैलेंस। इट इज प्ले ए वाइटल रोल यानी क्या है यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसके अंदर, इन एन इंट्रावेस्क्यूलर यानी ब्लड वेसल्स के अंदर, और ऑस्मेटिक इफेक्ट यानी प्राशन को शो करता है। ठीक है दैट कीप्स जो क्या करता है जो रखता है यानी मेंटेन रखता है इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन बैलेंस, जो क्या है ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है उनकी जो कंसेंट्रेशन यानी सांद्रता है उसको क्या है मेंटेन रखने का काम करता है। नेक्स्ट ब्लड सीरम इज ब्लड प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, और ब्लड जो सीरम है वो क्या है कि प्लाज्मा के अंदर से जब आप क्या है क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दोगे उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है वो क्या है ब्लड सीरम है, जिसको आप बायोकेमिस्ट्री की लैब के अंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए काम में लेते हो। नेक्स्ट एक डायग्राम है जिसके अंदर प्लाज्मा आपको कैसा दिखाया गया येलो कलर का, कितने परसेंट है 55%, और बचा हुआ जो पोर्शन है सेलुलर कंपोनेंट वो कैसा दिखाया गया 45%, जिसके अंदर तीन चीजें हैं रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट और व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट डायग्राम में अगर आप देखोगे तो प्लाज्मा का कंपोजिशन है जिसमें आप देखिए प्लाज्मा कितने परसेंट है 55-60% यानी मेजर अगर आप करें तो 55%, वाटर कितने परसेंट दिखाए गए पानी 91%, और सॉलिड यानी अदर सब्सटेंस कितने हैं 9%। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन से यानी अकार्बनिक जो पदार्थ हैं वो कौन से हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड, और ऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या है जो कितने परसेंट है 6-8% है, प्रोटीन्स हार्मोन्स विटामिन लिपिड या अदर ऑर्गेनिक मेटाबोलाइट, एग्जाम्पल अगर देखो तो ग्लूकोज अमाइनो एसिड यूरिया या यूरिक एसिड। फिर है सेलुलर कंपोनेंट जिसमें तीन चीजें हैं क्या क्या RBC WBC एंड प्लेटलेट। आज का जो टॉपिक है वो क्या है आपका सेलुलर कंपोनेंट, सेलुलर कंपोनेंट कितने परसेंट थे ब्लड के अंदर 45% यानी
45%, जो क्या है, फॉर्मड एलिमेंट है, यानी ह्यूमन बॉडी के द्वारा जो फॉर्म किए जाते हैं कहाँ पे, बोन मैरो के अंदर। सेलुलर कंपोनेंट के अंदर तीन चीजें होती हैं। मेजर जो पोर्शन होता है वो किसका होता है, एरिथ्रोसाइट का यानी आरबीसी का, उसके बाद किसका होता है, ल्यूकोसाइट का यानी व्हाइट ब्लड सेल का, और उसके बाद तीसरा जो पोर्शन है, तीसरी जो सेल है वो क्या है, थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट। तो आज अपन जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे वो क्या है, एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिका। इसके ऊपर देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है, दीज आर बाइकोनकेव। दीज मतलब ये कैसी होती है, बाइकोनकेव मतलब उभयावर्तन। नेक्स्ट नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी इनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, मतलब मैच्योर आरबीसी के अंदर, एक परिपक्व आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और अगर जब इसका डेवलपमेंट होता है उस टाइम में, तो इसके डेवलपमेंट के टाइम में इसमें न्यूक्लियस होता है एंड डिस्क लाइक सेल। और ये कैसी होती है, एक सीडी ड्राइव की जो डिस्क होती है उसके आकार की होती है। नेक्स्ट एक बार फिर देखिए, दीज आर बाइकोनकेव नॉन न्यूक्लिएटेड एंड डिस्क लाइक सेल, मतलब इसका जो आकार है वो क्या है, एक तो उभयावर्तन है और नॉन न्यूक्लिएटेड यानी इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। और इसकी स्ट्रक्चर आप वैसे देखो तो कैसी दिखाई देती है, डिस्क के जैसी। नेक्स्ट लाइन में क्या है, द सेंट्रल एरिया इज थिन एंड एज थिक, मतलब जो इसका बीच का जो पोर्शन है वो कैसा दिखाई देता है आपको, थिन यानी पतला एंड एज थिक, और इसके जो किनारे हैं वो कैसे दिखाई देते हैं आपको, मोटे यानी फूले हुए। नेक्स्ट, ए टिपिकल ह्यूमन रेड ब्लड सेल हैज ए डिस्क डायमीटर ऑफ अप्रोक्सीमेटली, मतलब उसका जो टोटल डायमीटर होता है एक ह्यूमन की रेड ब्लड सेल का अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 6.2 to 8.2 माइक्रोमीटर, यानी 6.2 से 8.2 माइक्रोमीटर, और अगर आप एवरेज लोगे तो कितना है, 7.2 माइक्रोन। एंड ए थिकनेस एट द थिकेस्ट पॉइंट ऑफ एज, और अगर आप इसकी थिकनेस देखोगे यानी इसके किनारों के ऊपर इसकी जो एवरेज है यानी इसका जो डायमीटर देखो कि कितनी फूली हुई है, वो कितनी है, 2 to 2.5 माइक्रोमीटर, यानी 2 से 2.5 माइक्रोमीटर। एंड मिनिमम थिकनेस इन सेंटर, और अगर इसके सेंटर का डायमीटर देखोगे तो कितना है वो, 0.8 to 1 माइक्रोमीटर ऑफ आरबीसी। तो एक बार दोबारा देखें, दीज आर बाइकोनकेव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क लाइक सेल। एरिथ्रोसाइट कैसी होती है, उभयावर्तन होती है, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और इसका डायमीटर, इसकी जो शेप है वो कैसी होती है, डिस्क के जैसी दिखाई देती है आपको। द सेंट्रल एरिया इज थिन एंड एज थिक, यानी इसका जो बीच का जो पोर्शन है वो कैसा होता है, थिन यानी पतला, तो इसके किनारे कैसे होते हैं, मोटे। नेक्स्ट, ए टिपिकल ह्यूमन रेड ब्लड सेल हैज ए डिस्क डायमीटर ऑफ अप्रोक्सीमेटली, यानी इसका जो टोटल डायमीटर है डिस्क का वो कितना है, 6.2 से 8.2 माइक्रोमीटर, और अगर आप एवरेज देखो इस कितना है, 7.2 माइक्रोमीटर। एंड ए थिकनेस एट द थिकेस्ट पॉइंट ऑफ एज, और अगर इसकी मोटापे यानी किनारे के ऊपर इसका जो डायमीटर देखो वो कितना है, 2 to 2.5 माइक्रोमीटर, यानी 2 से 2.5 माइक्रोमीटर। एंड मिनिमम थिकनेस इन सेंटर, और अगर सेंटर के अंदर डायमीटर देखो इस कितना है आप इसका, 0.8 to 1 माइक्रोमीटर ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट क्या है, द एज कंटेन्स हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल दैट कैन बाइंड ऑक्सीजन। जो इसके किनारे हैं वो मोटे किस कारण से होते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, हीमोग्लोबिन। ये लाइन यही बता रही, द एज कंटेंट यानी इसके किनारे रखते हैं, इसके किनारों में क्या प्रेजेंट रहता है, हीमोग्लोबिन। आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल यानी जो क्या रखता है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, आयरन प्रेजेंट रहता है। दैट कैन बाइंड ऑक्सीजन, जो किसको बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है, यानी ऑक्सीजन के साथ क्या है, अटैच हो सकता है। आपको पता है ऑक्सीजन गैस का कंप्लीट बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन, जो किसका पिगमेंट है, एक आरबीसी का। नेक्स्ट, एचबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ आरबीसी एंड ब्लड। हीमोग्लोबिन क्या किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी लाल रंग के लिए, किसके, एक तो आरबीसी के लिए और ब्लड के यानी रुधिर के लिए। द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, यानी आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन है, आउटर जो मेम्ब्रेन है, वो किन चीजों से कंपोज हुई है, एक तो लिपिड यानी फैट या वसा से, एंड प्रोटीन यानी अमाइनो एसिड से। नेक्स्ट, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड डोनेन,
मगर इसकी बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हो आप, या नाम क्या है उसका? डोनेन। एक बार फिर से देख लीजिए इसको। द एज कंटेन्स हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल दैट कैन बाइंड ऑक्सीजन। मतलब आरबीसी के किनारों के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? हीमोग्लोबिन, जो एक कैसा पार्टिकल है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? आयरन, जो किसके साथ अटैच हो जाती है? ऑक्सीजन के साथ। हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ आरबीसी एंड ब्लड। और हीमोग्लोबिन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? यानी ब्लड के, रुधिर के लाल रंग के लिए और आरबीसी के कलर के लिए। द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। यानी आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन है वो किन चीजों से कंपोज्ड हुई है, किन चीजों से मिलकर बनी है? लिपिड और प्रोटीन से। और द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड डोनेर। और जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है यानी बाहरी जो मेम्ब्रेन है यानी बाहरी जो झिल्ली है वो उसको क्या बोलते हो आप? डोनेन। नेक्स्ट, ईच ह्यूमन आरबीसी कंटेन 270 मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन। ईच ह्यूमन आरबीसी यानी प्रत्येक ह्यूमन यानी प्रत्येक आरबीसी ह्यूमन के अंदर क्या कंटेन रखती है? 270 यानी 270 मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन। यानी एक आरबीसी के अंदर 270 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल या अणु प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैरीज फोर हीम ग्रुप। और प्रत्येक हीमोग्लोबिन ईच हीमोग्लोबिन प्रत्येक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैरीज मीन्स रखता है क्या? फोर हीम यानी आयरन ग्रुप। और प्रत्येक हीमोग्लोबिन के अंदर कितने आयरन प्रेजेंट रहते हैं, कितने आयरन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं? चार। नेक्स्ट, ह्यूमन ब्लड सेल टेक एन एवरेज 60 सेकेंड टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ सर्कुलेशन। यानी ह्यूमन ब्लड की जो सेल है यानी जो आरबीसी है वो क्या करती है? टेक एन एवरेज यानी जो कितना टाइम लेती है? 60 सेकेंड टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ सर्कुलेशन। यानी कंप्लीट ह्यूमन ब्लड के अंदर या कंप्लीट सर्कुलेशन के अंदर उसका जो चक्कर है, साइकिल है, वो कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है उसको? 60 सेकेंड यानी 60 सेकेंड। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है आरबीसी की? 1.090 gm/mL। यानी ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी है? आरबीसी की है। इसीलिए क्या है, आरबीसी ब्लड के अंदर बॉटम में जल्दी बैठती है क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स क्या है? ज्यादा लगता है। नॉर्मल रेंज ऑफ आरबीसी यानी नॉर्मल रेंज कितनी है? वुमेन्स के अंदर अगर आप देखोगे एवरेज 4.5 to 5.0 मिलियन per cubic। और मेन्स के अंदर कितनी है? 4.5 to 5.5 मिलियन per cubic। नेक्स्ट, अगर सबसे पहले रिवाइज करें तो सबसे पहले लाइन देखिए, ईच ह्यूमन आरबीसी कंटेन्स 270 मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन। यानी प्रत्येक ह्यूमन के आरबीसी के अंदर कितने मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं? 270 मिलियन। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज फोर हीम ग्रुप। और प्रत्येक हीमोग्लोबिन के अंदर चार किसके ग्रुप होते हैं? हीम के यानी आयरन के। ह्यूमन ब्लड सेल टेक एन एवरेज 60 सेकेंड टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ सर्कुलेशन। यानी कंप्लीट ह्यूमन बॉडी में आरबीसी को सर्कुलेट होने में कितना टाइम लगता है? 60 सेकेंड 60 सेकेंड। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 1.090 g/mL। और नॉर्मल रेंज कितनी है इसकी? अगर वोमेंस के अंदर आप देखोगे 4.5 to 5.0 मिलियन per cubic। और मेंस के अंदर कितनी है? 4.5 to 5.5 मिलियन per cubic। नेक्स्ट लाइन में देखिए, एवरेज लाइफ स्पान ऑफ एडल्ट आरबीसी 120 डेज, 120 दिन। यानी आरबीसी का जो मैच्यूरेशन के अंदर जीवन काल है वो कितना है? 120 दिन है। यानी ह्यूमन ब्लड ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कितने दिन तक जिंदा रह सकती है? 120 दिन। आरबीसी डेवलपिंग फ्रॉम कमिटेड स्टेम सेल टू मैच्योर रेड ब्लड सेल इन अबाउट 7 डेज। यानी आरबीसी डेवलपिंग फ्रॉम यानी आरबीसी डेवलप किन चीजों से हुई है, बनी किस चीज से? यानी कमिटेड स्टेम सेल से। स्टेम सेल का मतलब है ऐसी सेल जो किसी चीज को क्या है? जीवन दे सके या जन्म दे सके। तो आरबीसी किन से बनी है? कमिटेड स्टेम सेल से टू मैच्योर रेड ब्लड सेल। कि सबसे पहले क्या है, बोन मैरो के अंदर कमिटेड स्टेम सेल बनती है और उससे क्या बनती है? रेड ब्लड सेल। और ये जो प्रोसीजर होता है कमिटेड स्टेम सेल से आरबीसी फॉर्मेशन का, वो कितने दिन में कंप्लीट होता है? इन अबाउट 7 डेज यानी 7 दिन में।
दिस प्रोसेस हैपन इन बोन मैरो ऑफ लार्ज बोन। और यह है जो आरबीसी फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर है, हैपन मीन्स होता है किस चीज में, इन बोन मैरो में, यानी लार्ज बोन्स के बोन मैरो में। नेक्स्ट, व्हेन आरबीसी लाइफ साइकिल कंप्लीट, यानी जब ह्यूमन बॉडी के अंदर आरबीसी अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती है तब 120 दिन, इट वेयर इट ट्रांसफर टू प्लीन, ये कहाँ पे ट्रांसफर कर दी जाती है, प्लीन में यानी प्लीहा में, वेयर ब्रेक्स आरबीसी सेल एंड टेक्स आउट हीम, यानी वहां पे क्या किया जाता है, आरबीसी को तोड़ा जाता है ब्रेक में एंड टेक्स आउट हीम, और उसके अंदर जो आयरन के मॉलिक्यूल थे हीमोग्लोबिन में उनको क्या है, रिमूव कर लिया जाता है, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, और आरबीसी के सर्कुलेशन के लिए उसको क्या है, बहुत ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक बार देख लीजिए, सबसे पहले क्या है, आरबीसी की जो लाइफ स्पान है वो कितने दिन है, 120 दिन। आरबीसी डेवलप किससे होती है, सेकेंड पॉइंट में, आरबीसी डेवलपिंग फ्रॉम कमिटेड स्टेम सेल टू मैच्योर रेड ब्लड सेल, यानी आरबीसी कमिटेड स्टेम सेल से रेड ब्लड सेल में डेवलप होती है, यानी मैच्योर होती है, इन 7 डेज, यानी 7 दिन में। दिस प्रोसेस हैपन इन बोन मैरो, और ये प्रोसेस है एरिथ्रोपोइसिस, यानी आरबीसी का जो फॉर्मेशन है वो कौन सी जगह होता है, बोन मैरो में। वेहन आरबीसी लाइफ साइकिल कंप्लीट, और जब क्या है, आरबीसी अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती है 120 दिन, इट वर इट ट्रांसफर टू स्प्लीन, इसको कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, स्प्लीन में, प्लीहा में, वेयर ब्रेक्स आरबीसी एंड टेक्स आउट हीम, जहां पे इसको क्या है, तोड़ा जाता है और इसके अंदर से क्या है, हीमोग्लोबिन यानी आयरन के मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल लिए जाते हैं, उनको रिसाइकिल कर लिया जाता है। और आरबीसी को सर्कुलेशन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, लेस, यानी बहुत ही कम। नेक्स्ट, आप देख रहे होंगे आरबीसी की जो सरफेस है डायग्राम में वो दिखाई गई है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, बाई कॉनकेव यानी उभय अवतल, उसके किनारे देखिए आप कैसे हैं, मोटे यानी फूले हुए, और बीच का जो सेंटर पोर्शन है वो क्या है, पिचका हुआ यानी थिन। नेक्स्ट, अगर आरबीसी का डायमीटर देखोगे आप, उसका जो कंप्लीट डायमीटर दिखाया गया है वो कितना है, 7.5 या 7.2 माइक्रोमीटर, और उसके किनारे कितने दिखाए गए हैं फर्स्ट डायग्राम में, 2.0 माइक्रोमीटर, और बीच का जो पोर्शन होता है वो कितना होता है, थिन 1 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ आरबीसी, क्या आरबीसी के काम क्या क्या है, देयर मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आरबीसी क्या है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है अपनी बॉडी में, किसमें, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में, ऑक्सीजन को कहां पे लेके जाती है, उत्तक तक, और कार्बन डाइऑक्साइड को कहां पे लेके जाती है, उत्तक से फेफड़ों तक। और दूसरा क्या है, इम्पेयर्ड इन हिमोलाइटिक एनीमिया, यानी क्या है कि अगर हिमोलाइटिक एनीमिया हो यानी ब्लड की कमी हो तो उसमें क्या है, इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो क्या होगी, इफेक्ट होगी यानी कम हो जाएगी। मेंटेन आयरन बैलेंस, और ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या करती है, आयरन के बैलेंस को मेंटेन रखती है, यानी हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन होके आयरन को रिसाइकिल कर लिया जाता है। मेंटेन एसिड बेस इन बफर इन हीमो होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है ह्यूमन बॉडी का जो इनसाइड का एनवायरनमेंट है, एक तो होता है हीमोस्टेसिस जो होता है ब्लड क्लोटिंग, और होम्योस्टेसिस क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का इनसाइड यानी अंदर का जो एनवायरनमेंट है। मेंटेन एसिड बेस बफर, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर और एसिड और बेस का जो मीडियम है यानी अम्ल और क्षार का जो मीडियम है उसको मेंटेन रखती है। थैंक्स टू ऑल, आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर ऑन एरिथ्रोपोइसिस यानी आरबीसी के फॉर्मेशन के ऊपर होगा।